अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है 9th क्लास से, और चैप्टर नंबर है ये 3, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, हमने काम की बातें करनी है। इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। इसे अट्रैक्ट कौन कर सकता है? डेफिनेटली पॉजिटिव। और पॉजिटिव कौन है बच्चों? एटम के अंदर मौजूद जो हमारा न्यूक्लियस है। जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसकी इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम इसको और जरा अच्छा बनाते हैं। बच्चों याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, तो उस दौरान उस अट्रैक्शन की वजह से एटम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स when an electron is added into the atom, atom release energy. This process is called electron affinity. याद रख लो, ionization energy और electron affinity एक दूसरे के opposite होते हैं। Ionization energy में हम electron atom में से निकालते हैं और एटम को किस में चेंज करते हैं? केटाइन में। और चूंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें वहां एनर्जी लगानी होती है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और उसका जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बच्चों एटम अपने अंदर से एनर्जी क्या करता है? रिलीज। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added into the valence shell of isolated gaseous means, जिस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो वो अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। और वो कब होता है? जब वो किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में। ये वाली बात डेफिनेशन आप आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ चुके हो, इसलिए मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं है। When an electron is added into the valence shell of isolated gaseous state of an atom, it releases energy. This is called electron
affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बच्चों मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं. ये देखें, ये मेरे पास है एक एटम फ्लोरीन, एक मैंने न्यूट्रल एटम लिया है. मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं. बच्चों याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी में जो जब आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो केटाइन बनता है. यहाँ जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है, एनाइन. अब एफ ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन गया, फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन. और जाहिर सी बात है इसने यहाँ एनर्जी रिलीज की, और जब एनर्जी रिलीज की तो एनर्जी में चेंज आया. बच्चों वो जो एनर्जी में चेंज आता है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, और उसको हम शो करते हैं डेल्टा एच. डेल्टा एच और वो कितना आया है जी, वो हमारे पास है 328 किलो जोल पर मोल. और बच्चों याद रख लो, जब एनर्जी रिलीज होती है, ये वाली बात ना आप पहले से भी जानते हो, जब एनर्जी कहीं अब्सॉर्ब हो रही हो तो जो चेंज इन एनर्जी होती है डेल्टा एच वो होता है पॉजिटिव, और अगर बच्चों कहीं एनर्जी रिलीज हो रही हो तो वहां डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव. तो यहाँ आपने साइन क्या लगाना है, नेगेटिव. इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ -328 किलो जोल एनर्जी रिलीज हुई है, नहीं. एनर्जी कितनी हुई है, 328. माइनस साइन जस्ट इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज. और इस प्रोसेस को, और याद रख लो जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जहां एनर्जी अब्सॉर्ब हो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो इसके अंदर आप लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट, इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके जी, एक और बात भी आपको समझा दूं. यहाँ जो एनर्जी जो चेंज हुई है उसके लिए जो हमने यूनिट्स यूज किया है वो है किलो जोल पर मोल. इसका मतलब क्या है, जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन में ऐड करने पे इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई. याद रखना, जब एक मोल फ्लोरीन में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, तो स्टूडेंट्स को तो मोस्टली नहीं पता होती. तो याद रख लो, ये एक फ्लोरीन की एनर्जी इतनी नहीं हुई, बल्कि जब एक मोल फ्लोरीन के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो वहां कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 328 किलो जूल पर मोल, एक मोल. देखो वो क्लियर नजर आ रहा है. चलें जी, इसके बाद ये आपने डेफिनेशन लिखी, ये एग्जांपल लिखी, ये प्रोसेस लिखना है, और नेक्स्ट हेडिंग आपने लगानी है जी, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं. तो वो हैं जी हमारे पास, मैं सिर्फ और सिर्फ दो लिखने वाला हूं, एक दो और भी हैं आपके इस लेवल पे, आपने इन दो के जरिए अपनी बात एक्सप्लेन कर सकते हो. नंबर वन फैक्टर है बच्चों आपके पास एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज. और नंबर टू है न्यूक्लियर चार्ज. वैसे ये वाला वर्ड जो न्यूक्लियर चार्ज है, मैं आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूं, इसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं. इससे भी अच्छा है अगर हम इसको क्या बोले, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
मीन्स न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब जब ज्यादा होंगी, याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तब तक क्या होगी, ज्यादा। तो आपने जब भी वर्ड कहीं पे न्यूक्लियर चार्ज आए तो अपने माइंड में बिठा लो कि इसको आपने क्या समझ लेना है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, इसकी और टेंशन नहीं लेनी। और साथ में क्या है जी, एटॉमिक साइज। बच्चों एक बार याद रख लो, इन दो बातों की बेस पे हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स के। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे कम या ज्यादा हो रही होती है और पीरियड में कैसे कम या ज्यादा हो रही होती है, तो वो आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बता सकते हो जब आपको ये वाली बात आएगी। देखो एटम का साइज, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, ये देखो ये सपोज करो हमारे पास न्यूक्लियस है और ये देखो ये एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है। अब आपने सपोज करें यहाँ पे इतना बड़ा साइज है, अब देखो आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, जब वैलेंस शेल में ऐड करते हो तो न्यूक्लियस देखो जितना दूर होगा बच्चों वो उतनी तेजी से उतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है अगर एटम का साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तब कम। और अगर ये देखो सपोज करो एटम का साइज हो ये हमारे पास है, अब जब हम इस आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है अगर एटम का साइज कम हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा। तो दोनों का क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स, साइज ऑफ एटम बड़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। तो बच्चों यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि साइज ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग ई ए से भी शो करते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश किया करो आप पूरा ही लिखा करो। तो ये देखो बच्चों हमारे पास अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो याद रख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। दूसरी वाली बात, मैंने न्यूक्लियर चार्ज, मैंने न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है। देखो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों इस तरीके से आपने फैक्टर लिख लेने हैं और एंड पे हम लिख लेते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आपकी ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये बहुत आसान है, आपको अगर ये बात आती है ना तो इसको इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि ग्रुप में क्या हो रहा है, ग्रुप्स में। बच्चों याद रख लो, आप लोग इससे पहले एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले उसको सुन लो, एटॉमिक साइज को मैं वहां बहुत सारी बातें समझा चुका हूं। अब एटॉमिक साइज क्या है, देखो बच्चों हमारे पास जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, When we move from top to bottom in a group, जब भी हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, याद रखो एटम का साइज बढ़ता है। अगर एटम का साइज बढ़ रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही होगी, देखो जाहिर सी बात है वो घट रही होगी। तो पहले तो ये बात याद रख लो कि when we move from top to bottom in a group, electron affinity decreases. तो चलें जी, पहला पॉइंट, when we move from top to bottom in a group,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। चलें जी वजह बताते हैं आपको कि क्यों डिक्रीज हो रही है। दो वजूहात बेटा आपने लिख देनी है, बहुत है। आपने कहना है सर व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिक्रीजेस बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस और इसके अलावा देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना साइज बढ़ता जाता है। तो ये देखो साइज मैंने आपको समझाया था ना, ये न्यूक्लियस था, ये देखो ये न्यूक्लियस, ये वैलेंस शेल है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस शेल बढ़ता जा रहा है। ये जितना दूर होता जाएगा एटम का साइज उतना बढ़ता जाता है। और याद रखो जब एटम का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम, क्योंकि दोनों का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो याद रख लो यहाँ साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा होता है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो ये वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं बच्चों कि हमारे पास व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो चलें जी ये तो कहानी थी ग्रुप्स की, बच्चों अब हम चलते हैं पीरियड्स के अंदर क्या हो रहा। तो नेक्स्ट आपने हेडिंग लगानी है पीरियड। बच्चों याद रखना व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इधर को जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक और बात भी याद रखो, अगर ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है तो फिर ये अंडरस्टूड है कि पीरियड में क्या हो रही होगी, ज्यादा। तो याद रखो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। तो चलें जी ये तो हो रही है इंक्रीज, इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो रही है, यही दो वजूहात। क्या है ये दो वजूहात बच्चों, नंबर वन आप जानते हो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, और जब एटम का साइज घटेगा, ये देखो एटम का साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। और अगर याद रखो एटम का साइज डिक्रीज होगा तो ये देखो न्यूक्लियस उसके पास होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ तो फिर अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ एटम का साइज डिक्रीज हो रहा होता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से बच्चों हम कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पीरियड्स के अंदर इंक्रीज होती है और ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज होती है। एक और बात मैंने जानबूझ के मिस की है बच्चों, याद रख लो ये जो मैंने पहला एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। मीन जब आप किसी एटम में एक पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो क्या कहलाती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और याद रख लो
सिर्फ याद रख लो इसकी रीजन की तरफ ना जाओ, ये आपने फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ना है। याद रख लो कि जब आप किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तब एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ डेल्टा एच भी क्या होता है, नेगेटिव, और इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर आप इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो याद रखना सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नेगेटिव नहीं होती बल्कि वो पॉजिटिव होती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसकी रीजन, इसकी लॉजिक की तरफ आपने फर्स्ट ईयर में जाके स्टडी करना है। लेकिन यहाँ एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एटम एनर्जी रिलीज करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो ये बच्चों हमारा छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसको स्टडी करो और इंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।